अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, हियर आई एम प्रोफेसर सगीर अहमद और तमाम स्टूडेंट को प्रोफेसर सगीर जूलॉजी क्लासरूम में वेलकम। डियर स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने फाइलम स्टार्ट किया था, फाइलम प्लेटी हेलमेंथिस, उसके जनरल करेक्टर डिस्कस किए थे, एग्जांपल्स डिस्कस की थी और आज हम डिस्कस करेंगे क्लासेस ऑफ फाइलम प्लेटी हेलमेंथिस। क्लासेस ऑफ फाइलम प्लेटी हेलमेंथिस के अंदर आइए डिस्कस करते हैं कि तीन क्लासेस आ जाती हैं कि फाइलम प्लेटी हेलमेंथिस डिवाइडेड इनटू थ्री क्लासेस। पहली क्लास का नाम है क्लास टर्बुलेरिया, दूसरी क्लास का नाम है क्लास ट्रेमाटोडा और तीसरी क्लास का नाम है सेस्टोडा। तो आइए इन तमाम क्लासेस को एक एक करके डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। पहली क्लास है हमारे पास क्लास टर्बुलेरिया और इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है, प्लेनेरिया। और प्लेनेरिया का साइंटिफिक नेम क्या है हमारे पास, इसको हम डुगेसिया कहते हैं। क्या कहलाता है ये, डुगेसिया। द साइंटिफिक नेम ऑफ प्लेनेरिया इज कॉल्ड डुगेसिया। यूजुअली ये जो ऑर्गेनिज्म है, दीज आर फ्री लिविंग ऑर्गेनिज़म्स, यानी इस क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम जानदार असाम यूजुअली आज़ादाना ज़िंदगी गुजारते, यानी कि मूव करते फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अगर हम इनके हैबिटेट की बात करें तो दीज आर फाउंड इन मॉइस्ट प्लेसेस। कहाँ पर यूजुअली पाए जाते हैं, मॉइस्ट प्लेसेस पर पाए जाते हैं। तो अगला पॉइंट भी यही है कि दीज आर फाउंड इन मॉइस्ट और डैम्प प्लेसेस। प्लेनेरिया है तो क्लास टर्बुलेरिया की पहला इंपॉर्टेंट करेक्टर के फ्री लिविंग है, यूजुअली डैम्प और मॉइस्ट प्लेसेस पर पाए जाते हैं। बॉडी यूजुअली कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, हेड एंड ट्रंक, माउथ इज फेरिंग्स इज इवर्टेड एंड सेक लाइक डाइजेशन इज प्रेजेंट। सेकेंड जो क्लास है हमारे पास फाइलम प्लेटी हेलमेंथिस की, जिसका नाम क्या है, क्लास ट्रेमाटोडा। तो आइए ट्रेमाटोडा को डिस्कस करते हैं, क्लास ट्रेमाटोडा, और इसकी बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, लिवर फ्लू। लिवर फ्लू का साइंटिफिक नेम फेसिओला हेपाटिका। लिवर फ्लूक इसलिए कहा जाता है कि ये बेसिकली जो शीप हैं या अदर एनिमल्स हैं उनके लिवर का क्या है, पैरासाइट है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, लिवर फ्लू। इस क्लास से ताल्लुक रखने वाले आइए इसके करेक्टर्स के हवाले से बात कर लें कि पहला जो इम्पोर्टेंट करेक्टर है, दीज आर एक्टो या एंडो पैरासाइट्स, यानी इस क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले एनिमल्स या तो एक्टो पैरासाइट हैं या फिर एंडो पैरासाइट हैं। एक्टो पैरासाइट मीन्स के ये बॉडी के इनसाइड ऑफ द बॉडी अपनी फूड हासिल करते हैं, एंडो पैरासाइट ये अपने होस्ट से आउटर सरफेस से फूड क्या करते हैं, हासिल करते हैं। सेकंड जो इम्पोर्टेंट करेक्टर है कि एलिमेंट्री कैनाल बाइफर्केटेड एनिमल, इनकी जो माउथ ओपन इनटू एलिमेंट्री कैनाल, और जो एलिमेंट्री कैनाल जो फॉर्म हुई है इनसाइड, या तो वो बाइफर्केट है या फिर बिल्कुल रेड्यूस फॉर्म में, या यूजुअली क्या होती है, एब्सेंट होती है, बिकॉज दीज आर पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पर देखिएगा कि ये इसका माउथ है, माउथ, और ये इसका एसिटाब्यूलम, एसिटाब्यूलम कहलाते बेसिकली, जो कि सकर के तौर पे काम करता है, माउथ के अंदर भी सकर होते हैं ताकि ये फीड क्या कर सकें, हासिल कर सकें। और ये हमारे पास डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंट है, यूजुअली लीफ लाइक ऑर्गेनाइजेशन है, जिस तरीके से लीफ पत्ता होता है जस्ट टू लुक लाइक, तो ये हमारे पास फेसिओला हेपाटिका। एक और इम्पॉर्टेंट क्लास, क्लास सेस्टोडा। आइए सेस्टोडा की अगर हम बात करें, क्लास सेस्टोडा की, तो दीज आर टोटली पैरासाइट्स। और कैसे पैरासाइट्स होते हैं, एंडो पैरासाइट होते हैं, कैसे होते हैं, एंडो पैरासाइट।
तो पहला इम्पॉर्टेंट करेक्टर कि इस क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम जानदार एंडोपेरासाइट्स होते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट करेक्टर कि दीज आर डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंट, यानी कि ऊपर से भी चपटे हैं और नीचे से भी चपटे हैं, जस्ट टू लुक लाइक अ टेप लाइक स्ट्रक्चर या रिबन लाइक स्ट्रक्चर्स। सो इस क्लास में जो सबसे फेमस ऑर्गेनिज्म है वो हमारे पास कौन है? सबसे फेमस ऑर्गेनिज्म भी हमारे पास क्या है? टेप वर्म है। और टेप वर्म का साइंटिफिक नेम यू नो वेरी वेल क्या है? टेनिया सोलियम, द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ क्लास सेस्टोडा। अगर आप टेनिया सोलियम की बात करें, टेनिया सोलियम, लेट सपोज दैट कि ये हमारे पास टेनिया सोलियम है, ये इसका राउंड हेड लाइक स्ट्रक्चर है और जैसे जैसे इसका साइज बढ़ता जाता है ये पीछे से यूजुअली क्या होता है? चौड़ा होता चला जाता है। ये हमारे पास टेनिया सोलियम है। अगर आप इसके हेड की बात करें, ये इसका हेड है, हेड पर अटैचमेंट के लिए क्या पाए जाते हैं? सकर पाए जाते हैं, जिसकी मदद से ये अपने होस्ट बॉडी के साथ क्या होता है? अटैच हो जाता है और फूड को सक करता है। साथ साथ हुक लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, ये हमारे पास क्या है? हुक हैं, जिसकी मदद से अपने होस्ट के साथ क्या होता है? अटैच होता है। जैसे जैसे इसका साइज बढ़ता जाता है इसकी बॉडी के ऊपर पोस्टरियली सेगमेंट क्या होते जाते हैं? ब्रॉड होते चले जाते हैं, यानी कि बॉडी के ऊपर सेगमेंट्स हैं और ईच सेगमेंट बेसिकली मैच्योर, ईच सेगमेंट क्या कहलाता है? प्रोग्लॉटिड्स कहलाता है, प्रोग्लॉटिड्स। ईच मैच्योर सेगमेंट इज सेड टू बी द प्रोग्लॉटिड्स। तो बॉडी बेसिकली किस पर मुश्तमिल है? हुक और सकल लाइक हेड को हम क्या कहते हैं? इसको लैक्स कहते हैं। क्या कहलाता है? स्कॉलेक्स कहलाता है। ये इसकी स्लाइटली नेक कहलाती है और ये पीछे इसका ट्रंक है जो कि यूजुअली क्या है? सेगमेंटेड है। एंड ईच मैच्योर सेगमेंट इज सेड टू बी प्रोग्लॉटिड्स। इन प्रोग्लॉटिड्स के अंदर बेसिकली क्या होते हैं? सेक्सुअल ऑर्गन्स पाए जाते हैं और सेक्स के लिहाज से ये कैसा है? दीज आर कैसे होते हैं? बाईसेक्सुअल एनिमल्स होते हैं। कैसे होते हैं? बाईसेक्सुअल एनिमल्स होते हैं। बाईसेक्सुअल को हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट। व्हाट यू मीन बाय हर्माफ्रोडाइट? हर्मा का मतलब होता है बोथ, फ्रोडाइट का मतलब होता है सेक्स, यानी कि बोथ सेक्स, विच मीन्स दैट इन ईच प्रोग्लॉटिड्स, मैच्योर प्रोग्लॉटिड्स, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। सो इट इज अ हर्माफ्रोडाइट एनिमल या बाईसेक्सुअल एनिमल। हर्माफ्रोडाइट तो हैं लेकिन यूजुअली ये कैसे होते हैं? यूजुअली प्रोटोगाइनस होते हैं। यूजुअली कैसे होते हैं? यूजुअली बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, यूजुअली प्रोटोगाइनस। व्हाट डू मीन बाय प्रोटोगाइनस? प्रोटो का मतलब है फर्स्ट, गाइनस मीन फीमेल, यानी कि गाइनोम से निकला है और विच मीन्स फीमेल, यानी कि हर्माफ्रोडाइट तो हैं, बाईसेक्सुअल तो है, यानी कि मेल भी हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और फीमेल भी हैं, लेकिन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पहले मैच्योर होते हैं एज कम्पेयर टू द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो ऐसे बाईसेक्सुअल एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? प्रोटोगाइनस कहते हैं। व्हाट डू मीन बाय प्रोटोगाइनस? डेफिनेशन लिखना चाहें लिख लें, बड़ी सिंपल सी है कि दोज बाईसेक्सुअल एनिमल्स इन विच मेल
यानी कि मेल, विच मीन्स कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मैच्योर फर्स्ट एज कम्पेयर टू द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर कॉल्ड प्रोटोगाइनस। दोबारा से सुन लीजिएगा कि दोज हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स इन विच फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मैच्योर फर्स्ट एज कम्पेयर टू मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर कॉल्ड प्रोटोगाइनस। यानी कि ऐसे बाईसेक्चुअल एनिमल जिनमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पहले मैच्योर हों और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बाद में मैच्योर हों, इन्हें हम प्रोटोगाइनस कहते हैं। तो बेस्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है, टेप वर्म। तो ये डियर स्टूडेंट जनरल करेक्टर्स थे, क्लासिफिकेशन थी फाइलम प्लेटी हेलमेंथिस की, के तीन क्लासेस में डिवाइड किया गया। पहली क्लास का नाम था टर्बुलेरिया, बेस्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है, प्लेनेरिया। सेकंड क्लास थी हमारे पास ट्रेमाटोडा और बेस्ट एग्जांपल थी हमारे पास लीवर फ्लू यानी कि फेसियोला हेपाटिका। और थर्ड क्लास थी हमारे पास सेस्टोडा जिसमें टोटली एंडोपेरासाइट एनिमल्स शामिल हैं और बेस्ट एग्जांपल थी हमारे पास टेनिया सोलियम यानी कि टेपवर्म। तो डियर स्टूडेंट उम्मीद है कि आपको ये क्लासेस बेहतर तरीके से समझ में आ गई होंगी। तब तक के लिए अपने सर सगीर अहमद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।